बेचना है? सर पहले अपडेट दे दूं, सुबह की मेरी पिक थी 3620-25 में आपको ब्रिटानिया, 3675 बिक गया, तो इंट्राडे दैट इज बीन अ टॉप गेनर। बने रहिए ब्रिटानिया में, फूड्स का स्पेशल फूड स्टॉक्स विल डू एक्सट्रीमली वेल एंड ब्रिटानिया इज अ लीडर। ऑल्सो आई गेव यू अ बाय ऑन सन फार्मा, इट हिट अ हाई ऑफ 616 बट आई स्टिल थिंक 6450 इज गोइंग टू कम वेरी फास्ट। अब दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। बिल्कुल भसीन सर, तो पहली बात आशीष जी, वापिस लोगों ने डोमिनोज ऑर्डर करना है, जुबिलेंट फूड लीजिए 2825-30 में, 2765 का स्टॉप लॉस, 2950 से 3000 मिनिमम टारगेट होएगा। आई थिंक यू गेट वेरी वेरी फास्ट बिकॉज देयर सेल्स, देयर आउटपुट एंड देयर इंग्रीडियंट स्टॉक्स इज एक्सट्रीमली गुड, प्लस द न्यू लेन जो बिरयानी एंड ऑल विल ऐड फ्लेवर टू इट। सेकेंड बाय इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, औरोबिंदो फार्मा, इट इज गोइंग टू कम आउट विद स्टेलर नंबर, 884-886 में लीजिए, 870 का स्टॉप लॉस है, 925 का टारगेट। तो अच्छा भसीन सर, ये बिरयानी की आपने बात करी, इसके तीन ही आउटलेट्स आए एनसीआर में, आपने ट्राई करी क्या जुबिलेंट की बिरयानी? मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं खाता नहीं, वेज बिरयानी होगी ना घर में जो है वहाँ पे बड़ी जोर से आ रहा है और बच्चों को बहुत पसंद है, तो आई थिंक जुबिलेंट तो आपको पता है हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन उसका पिज्जा आता है और अब तो सेल्स बढ़नी है, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, 5% उसको पता नहीं किससे मारा है, आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट टाइम टू बाय दैट एंड औरोबिंदो फार्मा। वैसे आशीष जी मैं आपको ये बहुत बढ़िया राय और हिदायत देता हूँ, नॉर्थ इंडिया में बिरयानी अगर आप कहें तो लोग मान के चलते हैं कि चिकन या मटन की होगी, और अगर आप वेज बिरयानी की बात कर रहे हैं तो आप उसे कृपा करके पुलाव कहें, वरना बड़ी लड़ाई वड़ाई हो जाती है नॉर्थ इंडिया। You know, हर्षिता, तो यू हैव टू इग्नोर द नॉइज। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली बात, जब यूके में ये लॉकडाउन आया था और फर्स्ट वेरिएंट आया, इट रोज वेरी शार्पली, बट विद इन वन मंथ इट सीज्ड एंड द फॉल वाज इवन मोर फास्टर देन द राइज। ए बी, हमारे यहाँ वी हैव हैड अबाउट अ मंथ, आई थिंक बाय सेकेंड नेक्स्ट वीक यू शुड स्टार्ट टू सी द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन दिस केसेज। ए बी, दिस टाइम पीपल आर नॉट गोइंग टू बी, दे हैव नॉट बीन सो, दे हैव बीन लिटिल कैलस बट दे आर ऑल्सो फेड अप विद दिस, सो द लाइफ इज मूविंग ऑन। थर्डली, मैं आज ही जाके हर्षिता एज ए डिस्क्लोजर वैक्सीनेशन करा के आया हूँ, मेरी वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेशंस। और मैं कहूँ हर्षिता, मैंने जो एनालिसिस पूछे वहां से एक घंटे के लिए, उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि आज से एटलीस्ट 30 लाख पीपल विल बी वैक्सीनेटेड एवरी डे, दे हैव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू गो ऑल आउट, ही सेइंग इट कैन रीच अ कैपेसिटी ऑफ 50 लाख नेक्स्ट वीक बाय जून एंड 40 करोड़ पीपल विल बी वैक्सीनेटेड। सो यू कैन सी what the power of vaccination is going to be, and against that you have this backdrop of headline numbers which is actually an opportunity. So I am very sure Harshita, by next week we should be sailing in the market, and I tell you is wari jo wapisi hoegi it will be even stronger than last year because the pent up is so strong and so many people want to, you know, move out of life, in the sense they want to do what they have not done in recreation, in entertainment. So I am very very positive and I think this is the last dip which you'll get. So don't waste your time, buy good stocks and try and stay in the market because the headline numbers will change faster than you could think. तो फिर क्या ट्रेड आप इस समय लेंगे? अच्छा, ट्रेड से पहले भसीन साहब मुझे बताइए, हाउ आर यू फीलिंग, कोई आफ्टर इफेक्ट्स वैक्सीन के? क्योंकि मैं अपने जब पेरेंट्स से बात कर रही थी तो मेरी माता जी को थोड़ा सा बुखार लगा था, हाथ दुख रहा था कुछ समय के लिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, टच वुड, एवरीथिंग ओके, आई एम बैक इन द मार्केट एंड एज यू नो फॉर अस लक्कड़ अजम पत्थर अजम, क्योंकि शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी इससे भी इस वैक्सीनेशन से ज्यादा खतरनाक है, बट लाइक यू सेड, इफ यू डू गेट अ लिटिल बिट ऑफ लाइट फीवर एंड ऑल, इट्स अ गुड साइन। आई एम अगेन रिएट्रेटिंग टू एवरी वन, दिस इज द टाइम टू गेट योर वैक्सीनेशन डन एंड मूव ऑन इन लाइफ, डोंट बी हेजिटेंट, हेडलाइन नंबर विल चेंज इवन फास्टर देन यू कैन इमेजिन, सो द मार्केट इज गोइंग टू बी on a roller coaster for the next 1 or 2 days, but I can tell you Harshita, you will be smiling your way to the bank if we go by the numbers. If 40 crore people are vaccinated in 3 months, then we can, you know, bid goodbye to all this, and I think COVID will be history in the next 3 months. My two top picks are, first is Sun Pharma. Unquestionably, it will come out with the best ever corporate results in this quarter. Their specialty business is only getting more traction in the US. Obamacare is back. Lupin and Sun will be outperformers. 605 mein lijiye, 593 ka stop loss, 650 ka first target. Dusra pick hoega BPCL. Unquestionably will come out with very good numbers. And the disinvestment process is irreversible. In fact, it will gather more steam. So 424-25 mein lijiye, 4
415 का स्टॉप लॉस है, 465 टू फिंग. तो आशीष देखिए, द नंबर्स आर स्केरी बट देयर इज नो स्केयर इन द एंड. आज आप, मैं सैटरडे संडे दोनों दिन बाहर गया था मार्केटों में, कहीं कोई रुकावट नहीं है. हाँ, थोड़ा एहतियात जो नहीं बरत रहे थे वो बरत रहे हैं. सो आई थिंक बिजनेस विल बी नॉर्मल. द हेडलाइन नंबर्स आर स्केयरी बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव. मैं आपको दावे से कहता हूँ नेक्स्ट वीक दिस वेव विल स्टार्ट टू डिक्लाइन वेरी शार्पली, फिर आप मौका चूकते रह जाएंगे. तो आज जो ये आपके पास मौका आया है उसको वेस्ट मत आने चाहिए. अगले पांच छह दिन मेरे को लगता नहीं है दो दिन से ज्यादा मार्केट इससे ज्यादा क्रिएट करेगी. गुड, गेट इन टू गुड स्टॉक्स पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स बिकॉज यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट आईसीआईसीआई एचडीएफसी आर वेरी वेरी वेल कैपिटलाइज, दे डोंट इवन रेज टू नीड टू रेज कैपिटल. सेम इज द केस विद द एनबीएफसी. बजाज फाइनेंस इज गिविंग यू वंस इन अ सिक्स मंथ अपॉर्चुनिटी. आज के लिए मेरे दो पिक्स हैं. और बाय द वे डिस्क्लोजर दे दूं कि एचसीएल टेक इज हिट अ न्यू थ्री मंथ हाई एट 1030. दैट कंटिन्यूज टू बी माय आउट परफॉर्मर. आज के लिए दो पिक्स हैं और वो इसी रिलेटेड प्लेस से हैं जहां आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है बिकॉज ऑफ द फियर. आप कहे तो मैं शुरू करूं आशीष जी. बिल्कुल सर, वेट कर रहे हैं हम लोग. तो पहला होएगा ब्रिटानिया. अनडाउटेडली विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ यू नो दिस लॉकडाउन एंड पार्शल. 3625-30 में लीजिए, फ्यूचर इज एट अ डिस्काउंट बिकॉज ऑफ द डिविडेंड प्ले. 3550 का स्टॉप लॉस है, 3850 से 3850 का टारगेट. दूसरा प्ले होएगा जो मेरा फार्मा में टॉप पिक है और वो आज के लिए या कोविड के लिए नहीं है. उसमें जो जेनरिक साइड पे बिजनेस की सैंक्शन आ रही है यूएसए इज अनप्रेसिडेंटेड. सन फार्मा विल बी री रेटेड. मैं 850 का टारगेट इस साल में आपको दे रहा हूँ. तो अभी तो 609 से 611 में लीजिए. 598 का स्टॉप लॉस रखिए, 650 का मिनिमम टारगेट. बट इफ यू हैव द गम्पशन, सन फार्मा विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक इन दिस 2021. 850 विल बी द मिनिमम टारगेट यू विल सी इन द नेक्स्ट 4 months. वाह, तो उसके चार्ट चेक पे मैं जाऊंगा. लेकिन ये HUL, ये नेस्ले, ये जब कोविड की शुरुआत हुई थी पिछले साल इसी समय तो इन स्टॉक्स ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में ठंडे पड़ गए. अब इस तरह के स्टॉक्स वापस लाइमलाइट में आएंगे क्या, जो 5-6% के रिटर्न्स दिए थे इन्होंने पिछले पूरे एक साल में? देखिए आशीष जी, आज में और लास्ट ईयर में बहुत फर्क है. लेकिन क्योंकि एक फियर फैक्टर मार्केट क्रिएट करती है तो वो कहेगी सेल्फ फाइनेंशियल बाय एफएमसीजी. मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अंबुजा सीमेंट 245 रुपए पे मैंने 320 का टारगेट दिया था ईयर एंड पे, वो आज 315 रुपए है. टाटा स्टील 825 रुपए है. मंदी कहाँ है? मंदी मुझे दिख नहीं रही. ग्लोबल फैक्टर आर स्ट्रांग. इनफैक्ट जो ये आरबीआई की रेजोल्यूशन है उससे एनपीएस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर. यू कैन नॉट गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट इन टू financials in this correction and you will keep waiting. After the next 4 days it will be back to financials and NBFCs which will again start to see credit expand at the fastest. So for the near term Britannia and pharma will be an outperformer. Pharma by the way anyway is a high, it is going to be one of the legs of the rally which will continue. So pharma mein to koi rukawat nahi hai, but in the short run jaise aapne kaha Britannia, FMCG, Nestle, these are the fancied names. I reiterate, don't miss this opportunity in financials. Mandi kahan hai? Kahan hai mandi? To Bhaseen sir, acha Bhaseen sir ko bahut closely log follow karte hain. Saazbu aur Sensex mein kuch ladies aati hain jo Bhaseen sir ki picks se apna portfolio bana rahi hain. Kya baat hai? Ji ji. To pata nahi, to 100 stock ho gaye.